नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे अजय चौधरी के ठिकानों पर भी रेड के बीच अब नोवा शू एक्सपोर्ट के मालिक मन्नू अलग के घर पर आईटी विभाग की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि मन्नू अलग समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आगरा में भी आज आयकर विभाग की टीम जूता कारोबारियों के घरों पर छापेमारी कर रही थी, जिनमें से एक मन्नू अलग का घर है। वहीं दो अन्य भरतपुर हाउस कॉलोनी में शू एक्सपोर्ट्स विजय आहूजा के घर और मानसी चंद्रा की जूता फैक्ट्री पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। इनकम टैक्स की टीम आगरा में एक जूते बनाने वाली और उन जूतों को निर्यात करने वाली कंपनी RCKK से जुड़े शूज की कंपनी के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इस कंपनी के प्रमुख मन्नू अलग को हरसिमरन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि मन्नू आगरा में ही रहते हैं और ये कंपनी 1964 में आगरा में स्थापित हुई थी। इस कंपनी का कारोबार देश के अंदर कई राज्यों में फैला हुआ है। बरेली में आयोजित कांग्रेस की मैराथन रैली में अचानक से भगदड़ मच गई। बताया गया कि इस दौरान अव्यवस्था के चलते कई छात्राओं को चोट भी आई है। इस भगदड़ के बाद सड़क पर बच्चों के जूते चप्पल बिखरे पड़े नजर आए। इस घटना के बाद से कांग्रेस नेताओं ने साजिश की ओर इशारा किया है। दरअसल कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत ये मैराथन बरेली में आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम छात्राओं को बुलाया गया था। भीड़ बढ़ने के चलते अव्यवस्था फैलती चली गई और अचानक भगदड़ मच गई। इस घटना को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन का बेतुका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब वैष्णो देवी में भगदड़ मच सकती है, ये तो बच्चियां हैं, ये इंसानी फितरत होती है, लेकिन मैं मीडिया कर्मियों से माफी मांगती हूँ, ये साजिश भी हो सकती है। कांग्रेस के बढ़ते जनाधार की वजह से इस तरह की साजिश हो सकती है। देखिए, मेरे को मीडिया के भाइयों से या साथियों से ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं हो रही कि यहाँ पे कितनी भीड़ थी। यहाँ पे पूरा मैदान जो था बच्चियों से खचाखच भरा हुआ था। ये इनका जोश, जुनून और जज्बा, जो प्रियंका जी के नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ चल रहा है, इसीलिए ये बच्चियाँ इतने जोश में यहाँ सुबह से लेके अभी तक उपस्थित थी। और जो इनका जुनून है, जो जोश है, इस बात को साबित कर रहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रवानगी ये बच्चियां तय करने के लिए यहां पर उपस्थित। गाजियाबाद जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध में जिस टैंक को शामिल किया गया था, जिसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, गाजियाबाद के शहीद स्थल स्मारक बस स्टैंड पर उस टैंक को रखा गया है। इसका लोकार्पण गाजियाबाद के सांसद, भारतीय सेना के पूर्व जनरल, केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि सेना के द्वारा वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना कैडर, युद्ध सेना मेडल द्वारा सम्मानित बहादुर वीर जवान के सम्मान में इस टैंक को यहाँ पर लाया गया है। ये टैंक हम इसलिए लाए हैं कि हमारा गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जिसका बहुत पुराना इतिहास है। 1857 के अंदर भी गाजियाबाद के अंदर, क्रांति के अंदर बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे यहाँ ये पुराना शहीद स्थल है, इसका जीर्णोद्धार किया गया और इसीलिए इस जगह को चुना गया है। साथ साथ गाजियाबाद के अंदर हमारे पास बहुत से सेना के शौर्य पदक विजेता हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ हैं अभी जो कि जीवित वीर चक्र हैं, योगेंद्र यादव। भारत और पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई तो जरूर आपको याद होगी। जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा और जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इसकी घटना जरूर सुनी होगी। आज मैं आपको उसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूं। यहां पर भारत का T-55 टैंक यहां रखा गया है, जिसकी जानकारी यहां पर दी गई है। जिस टैंक का वजन 36,000 किलो है
लंबाई लगभग 9 मीटर है और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 3.37 मीटर है और ऊंचाई 2.4 मीटर है। और इसके बाद यहाँ इसकी सारी जानकारी लिखी है कि इसको आखिरकार क्यों रखा गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिखाया जा रहा है। अब आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए इस टैंक को हम आपको दिखाते हैं। ये वही टैंक है जिसने भारत ने जब युद्ध लड़ा और पाकिस्तान के 9 टैंकों को ऐसे निस्तार नाबूद कर दिया जैसे कि मानो वो धूल की कुछ कणें हो या धूल के कुछ डीले हो। आज जो है इस टैंक को यहाँ पर लगाया गया है। ये गाज़ियाबाद के मेट्रो स्टेशन न्यू शहीद स्थल पर यहाँ लगाया गया है। इसकी वजह यही है कि जिस तरह से आज से लगभग 50-52 साल पहले युद्ध को जीता गया था उसको आज के नौजवान भी देख सकें और समझ सकें कि भारत ने उस वक्त कितनी अहम लड़ाई को जीता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें उस वक्त जब लड़ाई चल रही थी तो भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान से लेकर पंजाब तक जो है लड़ाई चल रही थी और उस वक्त इन्हीं टैंकों ने इस तरह से उनको हराया था कि उसके बाद वो 20-30 साल बाद कारगिल के युद्ध में दिखाई दिया। और उसके बाद अब हमेशा पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भग्गिया देता है, लड़ाई के लिए कभी सामने नहीं आता है। एक बार फिर मैं इस टैंक को आपको दिखा देता हूँ, तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वही टैंक है जिसने पाकिस्तान के 9 टैंकों को निस्ता नाबूद कर दिया था और इसके अलावा जो टैंक थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया था। आखिरकार इसको गाज़ियाबाद की जनता को आज सौंप दिया गया है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी और उत्तर प्रदेश सेतु निगम के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश भर में दोनों विभागों के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए जा रहे हैं। ऐसे में राजभवन के सामने स्थित विश्वेश्वरैया सभागार में ये कार्यक्रम हुआ और वर्चुअल तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका शिलान्यास किया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी के कार्यों का, यहां पर डिप्टी सीएम की तरफ से लोकार्पण किया गया है। यूपी के पीलीभीत जनपद में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में कई पटलों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान अभिलेख अपडेट नहीं पाए गए, जिसको लेकर डीएम ने पटल सहायकों को 3 से 7 दिन का समय देकर अभिलेख पूरे करने का आदेश जारी किया है और कहा कि यदि काम पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित कार्रवाई होना तय है। यही नहीं, पटल सहायक को 7 दिन का समय देकर अभिलेख पूरे करने के आदेश भी दिए हैं और कहा है कि यदि ऐसा नहीं हो पाता तो संबंधित के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश भी दिए जाएंगे। आज कलेक्ट्रेट के कुछ पटलों का औचक रूप से निरीक्षण करा गया। इसमें खासकर ये देखा गया कि पंजिकाओं का रखरखाव कैसा है, सभी अभिलेख पूर्ण हैं या नहीं है, साल भर में जो पत्राचार यहाँ से हुए हैं उनका अनुपालन हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ पटलों पे कार्य ठीक था परंतु कुछ पटलों पे कमियाँ भी पाई गई, खासकर न्याय सहायक के पटल पे कमियाँ पाई गई, उनको विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई है और अन्य पटलों का भी इसी प्रकार से औचक निरीक्षण करा जाएगा जिससे समय से सारी पत्रावलियों का मूवमेंट हो और जनता को सुविधा रहे, उनके कार्य समय से पूरे हों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी सत्ता वापसी की राह देख रही है। लेकिन पीलीभीत से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जी हां, वरुण गांधी की तरह बीजेपी के एक और नेता बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पीलीभीत से विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि यूपी के पीलीभीत जिले के बिसलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम शरण वर्मा अपनी कार्यशैली के लिए हमेशा से ही चर्चा में बने रहते हैं। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही उनकी चर्चा और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने अब अपनी ही सरकार और अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए धरने पर वो बैठ गए हैं और कहा कि उनकी कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। विधायक राम शरण वर्मा की 9 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर वो धरने पर बैठे हैं और इसमें सबसे प्रमुख मांग आवारा पशुओं से किसानों को होने वाली क्षति से राहत देने की है। उन्होंने गांव गांव शौचालय खुलवाने, आवारा पशुओं से किसानों को होने वाली क्षति का मुआवजा, गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने, गौशाला
गांवों में पशुओं के लिए चारे दाने और पानी की समुचित व्यवस्था, गौशाला भवनों के निर्माण में कथित घोटाला, सरकारी जमीन पर सालों से काबिज रहने वाले लोगों को कब्जा मुक्त करना, चीनी मिलों से बकाया मूल्य दिलवाना शामिल है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है। पीलीभीत से विधायक हैं राम शरण, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और सिर्फ विधायक ही नहीं, उनके साथ उनके समर्थक भी धरने पर बैठे हुए नजर आए। दरअसल अपनी 9 सूत्रीय मांगों को वो लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे और खबरों का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में बयानबाजी भी काफी जोरों पर की जा रही है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया है और कहा कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं। एक ही पार्टी में सभी अपराधी नहीं, सभी पार्टियों में अपराधी हैं। बीजेपी सरकार यूपी के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करे। को बदनाम करने के लिए बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम एक अच्छा शासन देंगे और अपने शासन के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे जनता को लाभ न पहुंचे। लाभ पहुंचेगा उन्हें, उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनको अच्छी नौकरियां दी जाएंगी, किसानों के लिए बारे में सोचा जाएगा, बिजली भी हर व्यक्ति को 300 यूनिट फिर फ्री किराया जाएगा। बलरामपुर जिले के बैरिया पौधशाला वन रेंज रहरा बाजार वन प्रभाग गोंडा के वन विभाग अधिकारियों के मिली भगत से जंगलों में अवैध बेशकीमती साखू के पेड़ काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जंगल में दर्जनों से ज्यादा कटे हुए साखू के पेड़ भी पड़े मिले, और आलम यह है कि ठंड का मौसम शुरू होते ही वन माफिया जंगलों के बेशकीमती साखू के पेड़ों को काटने में जुट जाते हैं। इस काम में जंगल के पास बसे गाँव के लकड़ी चोर भी इनका बखूबी साथ दे रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि सुबह होते ही दर्जनों की संख्या में वन माफिया के गिरोह से जुड़े लोग साइकिल, कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में पहुंचते हैं, और दिन के उजाले में साखू के बेशकीमती पेड़ों को निर्दयता पूर्वक धराशायी करने में जुट जाते हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइकिल पर ये पेड़ों की लकड़ियाँ लेकर जाते हुए ये वन माफिया नजर आ रहे हैं। बाराबंकी में डायल 112 नंबर की गाड़ी पुलिसकर्मियों के परिवार को ढोती हुई नजर आई। जी हां, आपको बता दें कि पुलिसकर्मी के परिवार को ले जाती हुई डायल 112 की गाड़ी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाली डायल 112 दुरुपयोग उसका होता हुआ नजर आ रहा है, और डबल स्टार पुलिसकर्मी डायल 112 के नंबर की गाड़ी से परिवार से रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए गाड़ी पहुंची थी। हालांकि वीडियो बनता देख पुलिसकर्मी हड़बड़ी में डायल 112 को लेकर रफू चक्कर हो गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। हालांकि जब परिवार को लेने के लिए ये गाड़ी पहुंची, किसी ने वीडियो बनाया तो तुरंत ये गाड़ी वहां से रफू चक्कर हो गई। फरुखाबाद में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में आम के पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। आपको बता दें कि आम के बाग में युवक का शव मिलने से इलाके में खड़कम मच गया। दरअसल युवक कल शाम के समय में घर से गायब हो गया था, और युवक के शव लटके होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे युवक के परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस और प्रोसेक्स टीम और युवक के शव को लेकर कब्जे में कर लिया है, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है।
रायबरेली में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल सरेनी थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित महिला के साथ एक युवक ने घर में घुसकर एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने इसकी रिपोर्ट तक दर्ज करने से मना कर दिया। हालांकि आरोपी को पकड़ने की पुलिस की दूर की बात रही, पर पुलिस इस मामले पर पीड़ित की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर पाई। ऐसे में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि घटना 1 जनवरी की बताई जा रही है। वहीं पीड़िता के घर वाले खेत में थे, तभी घात लगाए पड़ोस का युवक बैठा था राहुल जयसवाल और उसने लड़की के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता का आरोप है कि थाने की पुलिस ने ये कहकर मामले को 4 दिन लटकाए रखा कि जांच करेंगे और जांच के नाम पर कपड़े चूड़ियां वो उसके ले गए, लेकिन 4 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है। नहीं है सर, मैं घर में अकेली थी, मेरे घर पे कोई नहीं था। राहुल जयसवाल आकर मेरे घर में जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया है। तो ये कब की बात है? ये 1 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे की बात है सर। तो इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, थाने में की थी, वहाँ पर नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं तुम्हारा मामला नहीं दर्ज करेंगे, तुम यहाँ से जाओ। क्या इसकी, हम 1 जनवरी को हम लोग वहाँ थे, हुल्लापुर में हमारे खेत हैं, प्याज निरा रहे थे। हम और हमारी बीवी और दो बिटिया और बहू घर में थी, और यहाँ बोले जब हम आए 3-4 बजे तो पता लगा कि ये ऐसा हादसा हुआ, तो हमारी बिटिया थाने गई। वहाँ से शाम को हम जब आए तो यहाँ देखा तो पुलिस वाले रहे। हम घर पर नहीं थे, तो ये जब हम घर पर वापस लैट्रिन चले गए थे, जब वहाँ से वापस आए तो कहने लगी कि हमारे साथ राहुल जायसवाल घर के अंदर घुस के ज़बरदस्ती किया और हमको लेके सीधा सरेनी थाने गई। हम वहाँ एप्लीकेशन दिए और दे के घर आए, फिर यहाँ चले आए। फिर उसके बाद 5-6 दरोगा लोग, पुलिस आई, लेडीज आई। रायबरेली में विकास खंड 57 आज़ादी के लगभग 75 साल बीत जाने के बावजूद भी देश की सरकारें मंदिर मस्जिद को लेकर आज तक राजनीति कर रही हैं, लेकिन चहुमुखी विकास के ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों ने देश की घटिया शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसका नतीजा ये रहा कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई और शिक्षा के नाम पर बच्चों के हाथ में कटोरा पकड़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने की वजह से प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है। तो पूरा मामला रायबरेली का है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बदहाली के आंसू रोता हुआ ये प्राथमिक विद्यालय नजर आ रहा है। ये कैसे, कब से ऐसे ही चल रहा है? करीब कहा हो गया यहाँ 40 साल। आज तक इसका सुंदरीकरण वगैरह नहीं हुआ है? कुछ नहीं बाबा, जबकि लोग कह रहे हैं कि चारागाह की जमीन है जी। तो कि सही है? सही है, सही है। इस विषय में आप लोगों ने आवाज उठाई कि ये हमारे यहाँ विद्यालय बने? कभी उठाई है आवाज? जो चादर रखी है, टीन की चादर रखी है, ये किसकी? ये चंदा गांव के चंदा की। हाँ, चंदा की टीन है। तो क्या ये विद्यालय इसी प्रकार बहुत पहले से चल रहा है या अभी जल्दी हाल ही में चला? ये पहले चला। कितने दिन से चल रहा होगा? ये 1983 मानो। रायबरेली में लाख प्रयासों के बावजूद भी अधिकारियों कर्मचारी सरकारी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। ताज़ा मामला सलोन तहसील में किसानों की धान खरीद का है। दरअसल नवीन मंडी स्थल में बनाए गए क्रय केंद्रों पर किसानों की धान खरीद न होने से किसान परेशान हैं। वहीं केंद्र प्रभारी बोरी ना होने की बात कहने हुए नजर आए, जबकि कागजी कोरम पर पूरी खरीद हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। समस्या ये हो रही है कि आज 20 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ करण साहू के पास, जो DLDC के इंचार्ज हैं, तो उन्होंने कहा कि 8 दिन बाद आइए धान लेकर तो तौल जाएगा। जबकि इनके अधिकारी सौरभ यादव से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था सोमवार को आप धान लेकर आइए, आपका धान तौल जाएगा। उसके बाद मैं गाड़ी लेकर आया हूँ और 2 दिन से गाड़ी यहीं खड़ी है और धान नहीं तौला जा रहा। क्या समस्या आ रही भैया? समस्या ये आ रही कि बिचौलियन के धान ये तौल ले थी
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति के नए नए रंग नजर आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ अनोखा रंग संभल से सामने आया है। दरअसल संभल शहर विधानसभा से बसपा के से अपनी ताल ठोक रहे हाजी शकील कुरैशी का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो स्थानीय स्तर की एक जनसभा में घड़ियाली आंसू बहाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। माइक हाथ में थामे हुए आने वाले चुनाव के लिए वोट मांगते नजर आए ये प्रत्याशी। ये एक बेवा औरत ने, मेरी माँ ने सरायतरीन से फ़ोन किया मुझे जब मैं क्वारंटीन सेंटर में था कि शकील तुम कहाँ हो। मैंने कहा अम्मा मैं तो क्वारंटीन सेंटर में हूँ। तो वो चीख निकल गई उनकी, कहा हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, अब हमारा कौन देखेगा। इस उस मंजर को देखते हुए मेरा परिवार भी क्वारंटीन करा दिया इन लोगों ने, सियासी लोगों ने संभल के। संभल के चंदौसी में कोरोना काल में डॉक्टर की मनमानी देखने को मिल रही है। दरअसल गरीब बीमार मरीजों की काढ़ी कमाई को लूटने का काम यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी के डॉक्टर सलील दीक्षित का है, जहां डॉक्टर ने अपना परामर्श शुल्क 300 रुपये रखा है। और डॉक्टर का ये परामर्श शुल्क के दवाई के लिए पर्चा मरीज के लिए सिर्फ एक ही दिन के लिए मान्य है, जबकि जनपद संभल के CMO के माने तो किसी भी डॉक्टर का परामर्श शुल्क दवाइयों का लिखा पर्चा 7 दिनों तक मान्य होना चाहिए। ऐसे में अगर बच्चों के डॉक्टर सलील दीक्षित के मरीज को अगर दूसरे दिन परामर्श लेना पड़ता है तो उसको 24 घंटे के भीतर दोबारा से 300 रुपये देने पड़ते हैं। ऐसे में डॉक्टर सलील की मनमानी का ये वीडियो भी वायरल हुआ है। साथ ही आपको बता दें पूरा का पूरा मामला भी संज्ञान में आया है। आपने संज्ञान में ही बात मेरे लगाई है, तो IMA के साथ मेरी शीघ्र ही बैठक होने वाली है, उसमें जो है कहते हैं मैं इस प्रस्ताव को रखूंगा कि इस तरीके से अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो गलत है। और जिन व्यक्ति विशेष के बारे में आपने मुझे बताया उनसे उम्मीद है कि कहते हैं जो है मैं आज ही जो है जा करके संपर्क करता हूँ कि ये चीज़ जो है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक दबंग ने एक के बाद एक दो लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। डबल मर्डर की हुई इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि हत्या करने की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। लगभग 9 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति है, उनकी हत्या हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वहां पर पहुंची, सीनियर अधिकारी सारे लोग वहां पहुंचे और उस दौरान यह पता चला कि 3 व्यक्ति जो साथ में बैठे थे और साथ में खा पी रहे थे, उनके बीच कुछ कहा सुनी हो गई और उसी विवाद में फावड़े से मारकर उस एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उस एक मृतक अवस्था में विनोद कुमार पुत्र महेंद्र सिंह परिजनों द्वारा लाया गया है और परिजनों द्वारा गोली लगा बताया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल सीतापुर से 55 किलोमीटर दूर बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया। वारदात तब हुई जब 80 साल के बुजुर्ग घर पर सो रहे थे। आरोप है कि हत्या से पहले उनको लाठी से मारा गया, हाथ को तोड़ दिया गया और धारदार हथियार से उनका कान तक काट दिया गया और उसके बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके के लोग भी इकट्ठा हो गए। शाम को खाना वाना खाए करके बात घर से बाहर निकले हैं। हाँ। और कोई अलावता आपका है? हाँ। अलावता आपके लिए ये नहीं बताया कहाँ जाने, किसी से फ़ोन पर बात हुई। हाँ। तो बात होते हुए घाट अंदर से उनके रोड तरफ गए या किसी सड़क सड़क पर या किसी कार जाकर कार चले गए होंगे। हाँ। तो उसके बाद फिर 10-11 बजे ढूंढने लगे सब लोग। हाँ। ढूंढने ढूंढते फिर सुबह हो गए, नहीं मिले। हाँ। सुबह ज़्यादा थाने गए, इतना किया। हाँ। ये थाने से नहीं, थाने में भी रिपोर्ट कर गए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।